देख पा रहे हो मुझे? हाय गाइस, हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। देख पा रहे हो मुझे? हाय हेलो हेलो भाई, आ जाओ। बाकी लोग वेट करते हैं, ऐसा करते हैं। आवाज सही आ रही है? गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। आवाज सही आ रही है? मैं एक बार चेक कर लूँ तुम्हारे कमेंट्स क्या क्या। फाइनली आ रही है आवाज? चलो ठीक है, कम ज्यादा कुछ दिक्कत, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है। इतने दिनों फाइनली दर्शन हो गए आपके, मैं क्या करें, टाइम लगता है हर चीज में। बताओ कैसे हो? मैंने वैसे मैसेज तो डाल दिया इस पे, क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे, ताकि तुम आ जाओ सारे। स्टार्ट करते हैं फिर, अभी 2 मिनट के अंदर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है, मेरे बढ़िया हाल है भाई। आप बताओ बाकी कैसे हो तुम? मैं तो बढ़िया हूँ बिल्कुल। ठंड में बच के रहो भाई, ठंड ज्यादा हो रही है। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, बच के रहना, ठीक है? चलो भाई क्लास स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने मैसेज तो डाल दिया, जिसको आना होगा आ जाएगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं भाई। क्या पढ़ने वाले तुम आज? बायोटेक्नोलॉजी फिनिश करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी हमने स्टार्ट करनी है। चलो लेट मी ओपन इट। चल जा भाई, दिक्कत ना है बस। आई होप कि कोई भी सेशन में दिक्कत ना आए, क्योंकि पहली बार मैं कर रही हूँ सेशन, तुम लोगों को पता है, ठीक है? चलो भाई क्या करेंगे आज हम? वन शॉट में आपकी बायोटेक्नोलॉजी धुआं कर देंगे आज, याद हो जाएगी तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी। ध्यान रखना कि ये मैं पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ, तुम्हारा रिविजन सेशन है ये। क्या है भाई? तुम्हारे रिविजन सेशन है, तो ये मत कहना मैम आपने ये छोड़ दिया, मैम आपने वो छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे हम रिविजन करेंगे तो तेजी से खत्म करेंगे, कुछ ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम्हारा कुछ छूट जाएगा। पढ़ाऊंगी मैं सब, बट ये है कि ध्यान रखना कि ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी कि बिल्कुल घुस गई हो पढ़ाने में, ठीक है? चलो भाई, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल तुम्हारा पहला चैप्टर है, प्रिंसिपल है ये वाला, प्रोसेस वाला, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? ये तुम्हारा पहला है। अब याद हमेशा, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी का हमने यूज कब किया है, ध्यान रखना कब किया है हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज, जब हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म में छेड़छाड़ करनी होती है। अब हम वो छेड़छाड़ कर क्यों रहे हैं? ताकि हम अपने लिए बेनिफिशियल काम कर सके। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जो हम यूज कर रहे हैं, किस पे? लाइव ऑर्गेनिजम्स पे या एंजाइम पे यूज कर रहे हैं। क्या बनाने के लिए भाई? प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जो कि आपके ह्यूमन के लिए कैसे होंगे, आपके लिए बेनिफिट होंगे। एक मैं तुम्हारी, एक सेकेंड लाइव चैट ओपन कर लूँ जरा, ठीक है? इससे क्या होगा, मुझे पता रहेगा कि कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते। अब हमारी बायोटेक्नोलॉजी, हमेशा ध्यान रखना, बायोटेक्नोलॉजी तुम्हारी 2 हिस्सों में बटी हुई है। बायोटेक्नोलॉजी है जो तुम्हारी, वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तो है तुम्हारी क्या, एक हो गई तुम्हारी ट्रेडिशनल, पुरानी, जो पुरानी है, ठीक है? और एक हो गई तुम्हारी मॉडर्न। अब दोनों में फर्क क्या है, ध्यान रखना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में एक फर्क है, नॉर्मल सा फर्क है। ट्रेडिशनल हम स्मॉल स्केल पे करेंगे, कभी भी करेंगे हम स्मॉल स्केल पे करेंगे, बट मॉडर्न जो हम करेंगे लार्ज स्केल पे करेंगे। जैसे अब इसके लिए एग्जाम्पल मैं बोलूँ, जैसे तुम घर में क्या बनाते हो, मम्मी कर्ड बनाती है, दही बनाती है, ब्रेड बनता है, तो वो क्या करते हैं, हम स्मॉल स्केल पे बनाते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी हम माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं अपने घर के अंदर, यूज कर रहे हैं छोटी छोटी चीजों के
लिए यूज कर रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो जब भी हम वाइन बना रहे हैं, बियर बना रहे हैं, कर्ड बना रहे हैं, तो वो कहाँ पे आ जाएगा? आपका स्मॉल स्केल के अंदर आ जाएगा। कैसी है? ट्रेडिशनल है आपकी टेक्निक है। बट मॉडर्न की मैं बात करूँ तो ये कैसी है? लार्ज स्केल पे बनाई जाएगी। जैसे आपको पता है बड़ी बड़ी वैक्सीन बनती है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है, टेस्ट ट्यूब बेबी जो हम घर में नहीं बना सकते, तो बहुत अलग अलग चीजें लार्ज स्केल पे जब भी हम करेंगे तो वो किस में आ जाएगी? आपकी मॉडर्न में आ जाएगी। अब आपकी ये तो ध्यान रखनी है व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, ये आपकी एक नंबर की क्या हो सकती है, डेफिनेशन हो सकती है जो आपको याद रखनी है। बट अब मैं वही बात करूँ, आपकी एक टेक्नोलॉजी बेसिकली EFB के अनुसार बायोटेक्नोलॉजी का अलग नाम है, या मैं बोलूँ उन्होंने अपने अलग डेफिनेशन दी है। उन्होंने क्या बोला है कि EFB ने जो आपको टेक्नोलॉजी दी है, उन्होंने जो डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की, वो क्या करती है? आपकी दोनों चीज़ें रखती है, आपकी ट्रेडिशनल व्यू भी देखेगी, मॉडर्न मॉलिकुलर बायोलॉजी भी देखेगी, बायोटेक्नोलॉजी भी देखेगी। मतलब ये जो बायोटेक्नोलॉजी EFB के अनुसार, वो कहते हैं कि हम मॉडर्न से भी डील करेंगे, हम ट्रेडिशन से भी डील करेंगे। तो उन्हीं ने इसी को सोच में रखते हुए एक डेफिनेशन निकाली है। उन्होंने बोला कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन तो मैं पता ही है मैथ्स में करते हो कि क्या कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं नेचुरल साइंस में और ऑर्गेनिजम्स में। क्या कर रहे हैं? नेचुरल साइंस के अंदर करेंगे, ऑर्गेनिजम्स में कर सकते हैं, या तो हम आपकी इंटीग्रेशन या सेल्स में कर सकते हैं, या सेल्स के पार्ट में कर सकते हैं, या हम किसी भी प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं ताकि हम अपनी उसे सर्विस में ला सकें। समझ में आएगी मैंने क्या बोला? बायोटेक्नोलॉजी क्या करना है आपको? लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ छेड़छाड़ी करनी है ताकि आपको क्या हो जाए? बेनिफिट हो जाए। दिक्कत कैसे आ रही है इसमें? एक सेकेंड, ओके, लिटिल बिट दिक्कत। ठीक है, अब दूसरी मैंने क्या बताया कि EFB के अनुसार आपको क्या ध्यान रखना है कि EFB का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दो चीज़ों को लेकर, ट्रेडिशन को भी मॉडर्न को भी। जब मॉडर्न और ट्रेडिशन हम साथ में देखते हैं तो EFB ने उसकी क्या दी है आपको? डेफिनेशन दी है। उन्होंने क्या बोला है कि हम इंटीग्रेशन करेंगे नेचुरल साइंस में, किस किस में? ऑर्गेनिज्म में, सेल में, या सेल के पार्ट में, या किसी भी हमारा मॉलिकुलर एनालॉगस जो भी प्रोडक्ट देगा आपको आके, वो आप अपनी सर्विस के लिए यूज़ कर सकते हो। चैप्टर तो तुम्हारा अब स्टार्ट होगा जो बेसिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कलर चेंज कर लेते, चलो पेन का इस बार। ठीक है, समझ आ रहा है तुम्हें? हेलो मैम, हाउ आर यू? बड़ी बढ़िया हूँ मैं तो। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स की। तो दो प्रिंसिपल हैं इसके, जेनेटिक और बायोप्रेसिंग। अब जेनेटिक में क्या है कि इसका छोटा सा है नाम, बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन है कि आप यदि जीन्स में चेंज करोगे तो उसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। क्या बोला मैंने? जीनोटाइप में चेंज करोगे तो उसका फिनोटाइप भी आपको चेंज मिलेगा। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरी आईज कैसे जो है ब्लू हो जाए, वट आई वॉन्ट कि मेरी आईज ब्लू हो जाए, तो मैं क्या करूँगी? जीन्स लेकर आऊंगी ब्लू की। तो ब्लू, जैसे ही मैं ब्लू आईज की जीन्स डालूंगी तो क्या हो जाएगा? आपकी फिजिकल अपियरेंस भी चेंज हो जाएगी, मतलब आपकी आईज भी चेंज हो जाएगी। तो ये टेक्निक क्या है? आपकी जेनेटिक मटेरियल पे काम करेगी, DNA होगा या तो RNA। आपको पता ही है दो तरह के जेनेटिक मटेरियल है, DNA RNA। हम क्या करेंगे? होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे ताकि आपका फिनोटाइप हम चेंज कर सके। बायोप्रोसेसिंग, प्रोसेस इंजीनियर की बात करेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, आपने जो डिजायर्ड जीन उठाई है, क्या बोला मैंने? जो आपने डिजायर्ड जीन उठाई है उसको आप बस कंटेमिनेशन फ्री रखना है। कोई भी उस पर वायरस नहीं आके लगना चाहिए, कोई भी बैक्टीरिया उस पर आके लगना नहीं चाहिए, कुछ भी मतलब उस पर लगना नहीं चाहिए आके, कोई भी एंजाइम वगैरह कुछ यूज नहीं होना चाहिए। दिक्कत आ रही है आज इसको। ठीक है, अब मैं बात करूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो आप ध्यान रखना है टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने एक नई क्रिएशन लेकर आए रिकॉम्बिनेंट DNA की। क्या बोला मैंने? हमने एक नई क्रिएशन बनाई है, किसकी? रिकॉम्बिनेंट DNA की हमने एक नई टेक्निक बनाई है। पेन को क्या क्या? हाँ ठीक है, अब इसमें अंदर आपके क्या कहेंगे? एक सेकंड तुम्हारे कमेंट्स देख लूँ। अब टेक्निक जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या है? देखो आपकी रिकॉम्बिनेंट DNA है। अब रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। अब आप जीन कैसे लेकर आओगे, उसे आप ट्रांसफ़र कैसे करोगे, आप उसे उस लिमिट तक कैसे लेके जाओगे जितना हमें चाहिए, मतलब उसका प्रोडक्शन आप इतना लेवल पे कैसे करोगे, तो उसको पढ़ने से पहले हमें छोटी छोटी डिटेल्स पढ़नी है। जैसे आप क्या करोगे, एक क्रोमोसोम को आपने उठाया, उस पे से आपने स्पेसिफिक DNA निकाल लिया। अब उस स्पेसिफिक DNA को आप कहाँ से कट करोगे, या आपकी रेप्लिकेशन कहाँ से होगी, तुम्हें क्या पता कौन सी साइट है? तो वही साइट का जब हमें पता लग जाता है तो उसी साइट को हम कहेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। जो भी हमारी बेसिकली जो हमें साइट चाहिए जहां से आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी उसको हम क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन की ओरिजिन कहेंगे, रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन कहेंगे। ये ध्यान रखना है, एक मार्क्स की डेफिनेशन है।
देर इज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ सीक्वेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन को इनिशिएट करेगा. ध्यान रखना है ओराई का एक और काम है अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे जब आपका क्लोनिंग वैक्टर के बारे में पढ़ेंगे. अब क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग इज नथिंग बट क्लोनिंग से ही आपको समझ आ रहा है क्लोनिंग वर्ड का मतलब क्या है. क्लोनिंग इज नथिंग बट तुम अपनी कॉपीज बनाना, मल्टीपल कॉपीज. जब आप क्या करोगे, आइडेंटिकल कॉपीज बनाओगे, सेम टू सेम आप कॉपीज बना रहे हो एक डीएनए की, उसको आप क्लोनिंग कहोगे. प्लाज्मिड आपका क्या है? ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा डीएनए. अब मुझे एक बात बताओ कि प्लाज्मिड और वेक्टर में डिफरेंस क्या है. मुझे ये जानना है कि प्लाज्मिड और तुम्हारे वेक्टर में डिफरेंस क्या है. दोनों ही एक जैसी चीज है बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन बता सकता है? आगे चलते हैं. जब तक मॉलिकुलर सीजर्स की बात करते हैं, मॉलिकुलर सीजर आपकी कुछ नहीं है, काटने का काम करेगी. सबको पता है काटने का काम कौन करता है, ठीक है? वो बात अलग है कि आपकी जिंदगी में काटता कोई और है, बट हमारे डीएनए में कौन काटेगा? मॉलिक्यूलर सीजर, जिसे आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कह सकते हो. अब मैं पूछूं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें कहाँ से मिलती है, तो ध्यान रखना है हमें बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं. कहाँ से आइसोलेट करते हैं हम इसको? हम आपका आइसोलेट करेंगे आपका किससे? बैक्टीरिया से हम आइसोलेट करते हैं, ठीक है? कटिंग का काम कौन करेगा? मॉलिक्यूलर सीजर. ऐसे ही आपको जोड़ने के लिए भी एक चीज बनी हुई है जिसका नाम क्या है? डीएनए लाइगेज. ध्यान रखना है डीएनए लाइगेज आपके लिए एक चीज ऑलरेडी, मतलब यही थोड़ी कि हर कोई काटेगा, पर जोड़ने का काम भी करता है. कौन करेगा जोड़ने का काम? ये करेगा आपका जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज. कौन से बॉन्ड जोड़ता है आपके? वेक्टर एक्ट लाइक अ जीन टैक्सी. एग्जैक्टली, गुड गुड नेहा, बिल्कुल सही. अच्छा चलो, अब मैं बोल रही डीएनए लाइगेज का काम कौन से आपके बॉन्ड जोड़ता है, तो वो ध्यान रखना है फॉस्फोडाइस्टर आपके बॉन्ड जोड़ता है. एग्रोबैक्टीरियम वो आपका किसमें होगा? अच्छा, एग्रोबैक्टीरियम की मैं बात कर रही हूँ, तो वो आपका किसमें होगा? देखो, अब ध्यान रखना है कि हमेशा कि आपके लिए जो वेक्टर है दो तरीके के होंगे, प्लांट के लिए अलग, एनिमल के लिए अलग, ठीक है? अब ध्यान रखना है प्लांट का जो वेक्टर होगा वो आपका टीआई प्लाज्मिड होगा. कभी भी आप प्लांट के अंदर बायोटेक्नोलॉजी करोगे तो उसके लिए जो भी आप आपका वेक्टर यूज करोगे या प्लाज्मिड यूज करोगे बेसिकली, तो जो प्लाज्मिड आपका होगा वो टीआई प्लाज्मिड होगा. बट इन द केस ऑफ द एनिमल आप क्या यूज करोगे? इन द केस ऑफ द एनिमल आप यूज करोगे PBR322 या आप ई कोलाई का प्लाज्मिड यूज करोगे, ध्यान रखना है. बट इन द केस ऑफ द वायरस आप क्या यूज करते हो? यदि आपको वायरस को इन्फेक्ट करना है तो वायरस में आप इन्फेक्ट करने के लिए क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे आपका रेट्रोवायरस. ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हैं. चलो, हाय हिमांशु भाई, बहुत दिनों बाद हिमांशु भी आ गया. अब तो पढ़ाई हो रही है हिमांशु? पढ़ाई चल रही है या सिर्फ मजे चल रहे हैं सर्दियों में? सिर्फ मूंगफली तोड़ी जा रही है बेड पे बैठ के, बस मूंगफली चटर पटक. तुम्हारे में देख रही हूँ कमेंट्स. चलो देख लेती हूँ, कुछ छूटा तो नहीं अभी तक, तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा. चलो वापस से आते हैं. चलो, अब बात कर रहे हैं तुम्हारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए हमें तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ती है. आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म बनाना है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो आपको तीन चीजें याद रखनी है कि आपको क्या चाहिए. बेसिकली आपको एक डिजायर्ड डीएनए चाहिए. क्या चाहिए आपको? पहले आपको चाहिए आपका डिजायर्ड डीएनए. मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ऐसा करते हो कलर, क्योंकि ब्लू ब्लू बहुत हो गया. बता देना यदि कोई पेन ना दिखे तो तुम्हें. तो हम क्या करेंगे, पहले तीन उसके होंगे, पहले डीएनए हम चूज करके लेकर आएंगे अपना डिजायरेबल डीएनए. मैं चाहती हूँ मेरे अंदर ब्लू आईज हो, तो मैं वही तो जीन पकड़ूंगी ना जिसका ब्लू जीन देगी हम मेरी जीन पे, जो ब्लू कलर देगी, समझ आए? तो यहाँ पे पहले ध्यान रखना है कि हम डीएनए लेकर आएंगे आपका डिजायर डीएनए, फिर उसका इंट्रोडक्शन कर देंगे होस्ट के अंदर. दिस इज नथिंग बट अ ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रोसेस को हम कहते हैं. फिर हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे डीएनए को ट्रांसफर, जो आपके प्रोजेनी तक क्या करें, मल्टीप्लाई करें. तो ध्यान रखना है पहला स्टेज क्या है आपका, डिजायर्ड जीन, देन ट्रांसफॉर्मेशन, देन मल्टीप्लीकेशन. समझ गए? चलो आगे चलो. अब आपकी बुक में ना एक छोटा सा स्टेंजा दिया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपका जो सबसे पहले आपकी क्या बने था, प्लाज्मिड जो था सबसे पहला किससे हमने लिया था, या बेसिकली हमने सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसका बनाया था, वो बनाया था आपका सेलमोना टाइफेरियम से हमने बनाया था. किसने बनाया था? आपके कोहेन एंड बोयर ने बनाया था. कब बनाया था? 1972 में बनाया था. याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ तुमको डिटेल्स पता होनी चाहिए. 1962 की बात करें तो 1963 में कुछ तो हो रहा है लैपटॉप को, ही अपने आप आपकी स्क्रीन से इधर से उधर जा रही है, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है. अच्छा, हैमिल्टन एंड स्मिथ की बात करते हैं तो इन्होंने क्या बनाई है, आपकी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाई है मॉलिक्यूलर सीजर, वही जो आपको काटती है. क्या काटती है, कौन सा बॉन्ड काटती है? ये भी आपका फॉस्फोडाइस्टर काटती है, ध्यान रखना. ये भी क्या काटेगी, आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही कट करती है. ये जोड़ने का काम कौन करता है, आपका डीएनए लाइगेज करता है. तो एक ही चीज के लिए दो चीज है, एक काटने वाली एक जोड़ने वाली, याद रखनी है. किसको जोड़ेंगे किसको काटेंगे? फॉस्फोडाइस्टर को. 28 फेब से तुम्हारा एग्जाम है भाई, ऑल द बेस्ट. पढ़ाई करो, रुकना नहीं चाहिए पढ़ाई, और क्या बोलूँ मैं, ऑल द बेस्ट फॉर यू, ठीक है?
चलो अब ध्यान रखना है कि आप जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओगे क्या करोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओगे तो सबसे पहले आप यहाँ क्या यूज करोगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिससे आप क्या करोगे कटिंग करोगे। ये इसका काम क्या है, कटिंग करना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप चूज करोगे आपका डिजायर्ड जीएन, क्या चूज करोगे आप डिजायर्ड जीन यूज करोगे। अब क्या करोगे उसे चिपकाने का काम करोगे, फेविकोल का काम कौन करेगा आपका, लाइगेज एंजाइम करेगी। ट्रांसफॉर्मेशन हमें ट्रांसफर करना है, क्या है भाई ट्रांसफर, जब आपका काम करना है तो वो ट्रांसफर। अब हमें किस में ट्रांसफर करना है, कौन से जीव में ट्रांसफर करना है, वो कैसा होगा, तो उसके लिए भी हमें कम्पिटेंट होस्ट ढूंढना पड़ता है। ध्यान रखनी है कम्पिटेंसी भी हमें चेक करनी पड़ती है, उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है पोर का साइज बड़ा है, किसकी वजह से हम करते हैं डाइवेलेंट आयन की वजह से हम इसके करेंगे, कैसा होगा डाइवेलेंट आपका आयन होगा। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल के मैं बोलूँ तो Ca2+ आपका ये एक तरह का कम्पिटेंसी आपका आयन हो जाएगा, जो आपकी हेल्प करेगा किसी भी होस्ट सेल के अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालने के लिए। ठीक है, आई होप तो मैं सब समझ आ रहा हूँ। ठीक है आगे चलते हैं। अब यहाँ बेसिक चीज सिखानी है मुझे, ये जैसे तुम्हारा प्लाज्मिड है, आई होप तुम्हें ये कलर दिख जाए, मुझे ही नहीं दिख रहा तुम्हें क्या दिखेगा। चलो ब्लैक ले लेते हैं। अब ध्यान रखना ये क्या है तुम्हारा प्लाज्मिड है, ये है तुम्हारा प्लाज्मिड, दिस इज व्हाट योर प्लाज्मिड। अब ध्यान रखना अगर मैं चाहती हूँ प्लस कर रही हूँ मेरी डिजायर्ड जीन, अब मैं चाह रही हूँ कि जो ये जीन है डिजायर्ड जीन या आप कह सकते हो फॉरेन डीएनए, मैं इसके साथ जोड़ना चाहती हूँ, तो मैं पहले क्या करूंगी, पहले लेकर आऊंगी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या करूंगी भाई, पहले लेकर आऊंगी आपकी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इससे मैं करूंगी कट। कट करने के बाद इस जगह से मैं इसको इसके अंदर लगा दूंगी, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, ये आपका क्या है प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में मैंने आपकी फॉरेन जीन अटैच कर दी। तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया आपका वेक्टर, क्या बन गया भाई ये वेक्टर। तो जब आपका प्लाज्मिड के ऊपर फॉरेन डीएनए लग जाता है तो प्लाज्मिड आपका चेंज हो जाता है किसमें, वेक्टर में आपका चेंज हो जाता है। वेक्टर इज नथिंग बट योर जीन टैक्सी, टैक्सी की तरह काम करेगा आपका ये जीन। अब मैं यही प्लाज्मिड, ध्यान रखना अब मैं यही प्लाज्मिड, ओके कुछ तो गड़बड़ हो रखी आज, अब मैं यही प्लाज्मिड जो है आपका किसी एक सेल के अंदर डाल दूं। क्या कर रही हूँ मैं, अब इस प्लाज्मिड को मैंने इस सेल के अंदर डाल दिया मान लो, तो इस प्रोसेस को मैं क्या कहती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन कहती हूँ। क्या कह रही हूँ मैं, इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कह रही हूँ कि जो मैंने अभी आपका वेक्टर जो बनाया था वो मैंने आपके किस में डाल दिया, आपके सेल में डाल दिया, तो इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात कर रहे हैं हम, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका बनाया क्या करा, पहले हमने आपका प्लाज्मिड लिया फॉरेन डीएनए के साथ जोड़ा, क्या बना दिया आपका वेक्टर बना दिया, क्या बना दिया आपका वेक्टर बना दिया, वेक्टर को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया आपके सेल के अंदर। तो जो जिस प्रोसेस की हेल्प से हमने सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया इसको हम क्या कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, हम इस प्रोसेस को कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखनी है। अगर मैं बोल रही हूँ कि इस सेल के अंदर मैंने कोई भी नया सेल नहीं डाला या नया वेक्टर नहीं डाला है, नॉट अ सेल वेक्टर मैंने नहीं डाला, तो इसे क्या कहोगे नॉन ट्रांसफॉर्मेशन कहोगे, क्या कहोगे नॉन ट्रांसफॉर्मेशन कहोगे। अब मैं यही बात कर रही हूँ तुम्हारी कि मैंने सेल के अंदर प्लाज्मिड डाला है, सिंपल प्लाज्मिड कोई आपके चेंज नहीं करा, मैंने कुछ नहीं बनाया, तो इसे क्या कहोगे कि आप नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्या बोला नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बात करी है। समझ में आई कहानी कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है। वेक्टर बना तो उसे आप क्या कहोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहोगे, वेक्टर बना होगा तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहोगे, जब तक प्लाज्मिड है वो ओनली डीएनए है। क्या बोला मैंने, जब तक प्लाज्मिड है जब तक वो डीएनए का काम करेगा। गुड टू गो, समझ आया, तुम देख रहे हो ये अपने आप जैसे स्क्रीन हिल रही है, मैं नहीं हिला रही हूँ इतनी, ये खुद से हिल रही है, मुझे नहीं आ रही समझ की क्यों हो रहा है इसके साथ, अगर किसी को बताए तो भाई मुझे भी बता दो। चलो अब आगे ही बात करते हैं आपकी, आगे बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर की। जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है ना वैसे ऐसे पढ़ते हुए जाएंगे, आज जल्दी कर देंगे क्योंकि एनसीईआरटी से जल्दी। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का काम क्या है, देखो दो काम है इसके, ओराई का काम क्या है, ओराई का काम है एक तो आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी, क्या करना भाई रेप्लिकेशन स्टार्ट करना विद इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब दूसरा क्या काम है इसका, एक तो आपकी रेप्लिकेशन हो गई, ध्यान रखना है क्या है, एक आपकी रेप्लिकेशन है, दूसरा है आपका कॉपी नंबर कि आपको कितनी कॉपी चाहिए, मतलब ये नहीं कि आपको आपका रेप्लिकेशन करते ही जाना है करते ही जाना है कितने करते जाना है, मतलब हमें 1000 कॉपी चाहिए तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास 1000 कॉपी ही आए, उससे ज्यादा कॉपी ना आए, 40-50 ऐसे कम ना आए ना ही ज्यादा आए, इसका काम ये होता है। ठीक है अब तो सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर आपका क्या है कि ये जो आप देख रहे हो फिगर में, एक सेकेंड आई होप कि सही जाएगी, चलो ये क्या है आपके सिलेक्टेबल मार्कर है कौन से, ये जो आपका ये
ये जो पिंक पिंक कलर से दिख रहे हैं तुम्हें, ये पिंक कलर से, ये क्या है? आपके सिलेक्टेबल मार्कर है। इनका रोल क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर का आपका एक ही रोल है बेचारा। नो आइडिया मैम, यार तुम्हें पता चल जाए तो यार मुझे भी बताना, मेरे लैपटॉप में दिक्कत कर रहा है यार ये बहुत ज्यादा। चलो अब यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर का रोल क्या है, ये आपका चेक करेगा। क्या चेक करेगा आपका? कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं। इसका काम है ये बेसिकली आपका क्या है, एक मान के चलो चेकर है। कौन है ये भाई? ये चेकर है। ये चेक करेगा कि भाई आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुई है नहीं या नहीं हुई। तो ये क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी तो ये सेल को आगे भेज देगा। अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई होगी तो ये क्या कर देगा, उस वो जो सेल होगा उसको डिक्लाइन कर देगा, ये उसको हटा देगा जिंदगी से। देखो ओरिजिन रिक्वायर्ड सिलेक्टेबल मार्कर जो हेल्प करता है आइडेंटिफाई और एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेशन को। ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी तो काम चल जाएगा, नहीं होगी तो उसे डिक्लाइन कर देगा, हटा देगा, ग्रोथ ही नहीं होने देगा उस वाले सेल की जिसमें नॉन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। समझो ना बात की, कॉपी करनी है आपको। अब कॉपी करनी है, गलत गलत कॉपी या साफ कॉपी, अच्छी कॉपी कौन चेक करेगा? ये आपका सिलेक्टेबल मार्कर चेक करेगा। अब आगे आओ जो आपकी कहानी है। ओके चल जा। अच्छा ये ध्यान रखना है, कुछ आपकी एंटीबायोटिक्स एम्पिसिलिन क्रोमैन ये सब जो है नहीं, नाम याद रखना है। कुछ कभी पूछ सकते हैं कि इसमें से आपकी रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस कौन कौन सी है, तो इनमें से कुछ भी नाम आ सकते हैं एमसीक्यू में, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? इतनी सी बात है। चलो क्लोनिंग साइट की मैं बात कर रही हूँ, ओके इसलिए मैं बोल रही थी कि तुम्हारे लिए मैं इसे वैसे करके डाल दूं, लाइव में मुझे लगा ही था दिक्कत करेगा ये। अच्छा क्लोनिंग की बात कर रहे हैं, तो क्लोनिंग साइट आपकी क्या है? देखो क्लोनिंग साइट में ना ये ध्यान रखना है आपका PBR322 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम भी याद रखना है, इसका काम क्या है वो भी याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो याद करने के तरीके यार यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हैं। जैसे इसमें है कि ट्राई बनाना सैलेड, मेरे को मेरा पेन नहीं दिख रहा, तुम्हें दिख रहा मेरा पेन? अच्छा ये था, ये क्या है इसका याद करने का तरीका, ट्राई बनाना सैलेड। तो इसमें क्या है, टेट्रा साइक्लिन के साइड पे बैम एच वन कट कर सकती है या साल वन काफी कट कर सकती है, ठीक है? और यहाँ पे मैं एम्पिसिलिन की बात करूँ तो एम्पिसिलिन को काटने वाली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन कौन सी होंगी? सिर्फ आपकी PVU1, PST1। आरओपी का क्या है भाई, आरओपी का रोल क्या है? आरओपी आपका क्या बनाएगा, एक तरह का प्रोटीन बनाता है। क्या कर रहा है भाई, आरओपी एक तरह का प्रोटीन बनाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इनिशिएशन में, किसके लिए, रेप्लिकेशन के लिए, या आपके पूरा का पूरा काम जीन प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आई होप तुम्हें सब समझ आ रहा है। नेहा सब समझ आ रहा है? हाँ भाई नेहा, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना है कि बैम एच वन की मैं बात कर रही हूँ, इसे तो मैंने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, यदि तुम्हें याद हो तो, मैंने बहुत तगड़े तरीके से एक एक चीज सिखाई है, तो मैं इसमें अब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि फिर वन शॉट का मतलब ही क्या रह गया। अब ठीक है, वन आपका जीन क्लोनिंग हो रही है, बैम एच वन, ये याद रखनी है कि कौन सी साइड किसके लिए है। अगर मैं बैम एच वन से टेट्रासाइक्लिन कट कर रही हूँ तो किसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगी, वो एम्पिसिलिन के या टेट्रासाइक्लिन के, इतना बता दो बस। बस मुझे इतना बता दो कि यदि मैं बैम एच वन का यूज कर रही हूँ कट करने के लिए आपकी जीन का, पीटी टीचर कॉल अमर एनपीओ, एग्जैक्टली यही मैंने बताई थी, बाकी जैसे ये एम्पिसिलिन का पीटी टीचर कर, ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा मैं क्या पूछा, मैंने पूछा कि यदि मैं बैम एच वन से आपकी टेट्रासाइक्लिन की साइट को कट कर दे रही हूँ तो आपका जो एंटीबायोटिक बेसिकली जो आपकी ग्रोथ होगी वो एम्पिसिलिन में होगी या टेट्रासाइक्लिन के अंदर होगी? हाँ भाई ये बता दो बस मुझे, ग्रोथ किस में होगी? तुम्हारे स्लो चल रही है, पता है चैट बहुत पीछे पीछे चल रही है। ये आपका बैम एच वन, मैंने ही आपका फॉरेन डीन जो डीएनए है, फॉरेन डीएनए मैंने बैम एच वन से काटा, सेम मैंने प्लाज्मिड भी आपका इसी से काटा और मैंने बना दिया आपका वेक्टर। अब वो वेक्टर जो बनकर आएगा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ग्रोथ किस में करेगा, टेट्रासाइक्लिन में करेगा या एम्पिसिलिन में करेगा? तो ध्यान रखना है जो साइट आप काट रहे हो, क्या बोला मैंने, जो साइट आप काट रहे हो टेट्रासाइक्लिन में तो उसकी अपोजिट में वो ग्रोथ करेगा। टेट्रासाइक्लिन के वो रेजिस्टेंस हो गया तो ग्रोथ किस में जाएगी, आपकी एम्पिसिलिन में जाएगी। तो ग्रोथ वो किस में कर रहा है, आपकी एम्पिसिलिन में करेगा, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, इतनी सी बातें ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक एक क्वेश्चन कराया, रिकॉर्ड लेक्चर वैसे पढ़ा होगा तो ध्यान रखना, यूसी ही ठीक था वो, ओके कोई बात नहीं। अच्छा एक है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्या बोला मैंने, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, वहां पे तुम चैट अच्छी सी करते थे ना इसलिए बढ़िया था वो, तुम बातें बहुत बहुत ज्यादा करते थे मेरे से इसलिए बढ़िया था, है ना, बातों के लिए बढ़िया था वो तुम्हारी, पढ़ाई तो तुम वैसे भी नहीं करते। चल
याद है लेक ओपेरॉन, लेक ओपेरॉन याद है, लेक जी कौन सी साइट बनाती थी या कौन सी एंजाइम बनाती थी आपकी? वो बनाती थी बीटा गैलेक्टोसिडेज। क्या बोला मैंने? बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो ऐसे ही आपका होता है पक 18 नाम का, क्या प्लाज्मिड, पक 18 नाम का आपका प्लाज्मिड है, वो क्या करेगा, आपका यही काम है, उसकी लेग जी की साइट बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाता है। अब मैं वही बात कर रही हूँ कि मैं यदि पक 18 को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दूँ, ध्यान रखना है क्या बोला मैंने कि पक 18 प्लाज्मिड के साथ मैंने फॉरन डीएनए जोड़ा, फॉरन डीएनए जोड़ने के बाद मैंने उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। अगर मैंने उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया तो उसकी जितनी भी आने वाली जो प्रजाति होगी, जो भी मतलब उसकी कॉपीज बनेगी, वो कैसी बनेगी? ब्लू कलर की बनेगी, व्हाइट कलर की बनेगी। जब भी आप छेड़ा छाड़ी करोगे उसके साथ तो वो कैसी कॉलोनी देगा? व्हाइट कलर की कॉलोनी देगा। बट वहीं पे यदि तुम उसके साथ कोई छेड़ा छाड़ी नहीं करोगे, नो टचिंग या नो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो आपको कैसी कलर की कॉलोनीज आपको मिलेगी? ब्लू कलर की कॉलोनीज आपको मिलेगी। ध्यान रखना है क्या बोला, जब आप छेड़ा छाड़ी नहीं करोगे तो ब्लू कलर आपको मिलेगा। जैसे ही आपने छेड़ा छाड़ी कर दी, या इंसर्शनल बेसिकली इसी को कहते हैं कि आपने जब कुछ भी चीज उसके अंदर इंसर्ट करी तो वो जो आपका एंजाइम है वो आपका इनएक्टिवेट हो जाएगा। जैसे मैंने पकेटीन के अंदर इंसर्ट करा आपका फॉरन डीएनए, तो उसने क्या कर लिया, अपने आप को इनएक्टिवेट कर लिया। ब्लू कलर की जगह आपको व्हाइट कलर की कॉलोनीज बनेगी मिलेगी। क्यों मिलेगी? कि भाई जब आप लेक जी को काम करने नहीं दोगे तो वो क्या करेगी भाई, आपका सबस्ट्रेट नहीं बना पाएगी। सबस्ट्रेट का नाम क्या है? सबस्ट्रेट का नाम है एक्स गाल। एक्स गाल आपका सबस्ट्रेट का नाम है जो आपकी ब्लू कलर की कॉलोनीज के रिस्पॉन्सिबल होता है। जब लैग जी को आप हटा दोगे तो आपका सबस्ट्रेट नहीं बनेगा। सबस्ट्रेट क्या मतलब, एक्स गाल आपका नहीं बनेगा तो आपको क्या मिलेगी, आपको व्हाइट कलर की कॉलोनीज आपको देखने को मिलेगी। समझ में आई? ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यहाँ पे सारा ड्यू टू ये सब आपकी सारी यही लाइन लिखी हुई, बीटा गैलेक्टोसिडेज है आपका, ब्लू कलर की कॉलोनी मिलती है, यही होता है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। कौन है भाई क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट आपका? मैंने क्या बताया, सबस्ट्रेट एक्स गाल नाम है उसका। अगर तुम उसके साथ छेड़ा छाड़ी नहीं करोगे हाय हाय प्रेम, मुझे सबके नाम याद है अभी भी, ठीक है, जब तक उसके साथ छेड़ाछाड़ी नहीं करोगे तो वो ब्लू कलर देगा, छेड़ाछाड़ी करते ही वो कैसे कलर दे देगा, आपको व्हाइट कलर दे देगा। ठीक है, चलो वेक्टर क्लोनिंग की प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं, तो आपका टी डीएनए, बेसिकली टी डीएनए आपने कहाँ से, इंपॉर्टेंट बात जो मैं शुरुआत में ही बता चुकी कि प्लांट के लिए क्या यूज कर दोगे, प्लांट के लिए प्लाज्मिड आप क्या यूज करते हो, टी आई प्लाज्मिड यूज करते हो। क्या बोला मैंने, टी आई प्लाज्मिड यूज करते हो। अब टी आई प्लाज्मिड आपको मिल कहाँ रहा है, कहाँ से रहा है? ये रहा आपका एगोरीबैक्टीरियम टू मेफेसियम से आपको मिल रहा है। अब ये हमने निकाला कैसे, हमने क्या किया, लेके गए छेड़ाछाड़ी करी किसके अंदर, टोबैको प्लांट के अंदर हमने छेड़ाछाड़ी करी, तो टोबैको प्लांट के अंदर हमने देखा अपने टी डीएनए बनाया, तो उस टी डीएनए से जो हमको चीज मिली आके, तो अरे यार क्या क्या ये, ठीक है, तो हमने क्या करा, उस एग्रोबैक्टीरियम से ट्यूमर इंड्यूसिंग, ध्यान रखना है एस टी आई की फुल फॉर्म भी ये है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड हमने लिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर से, फिर जो कि हमने मॉडिफाइड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, प्लांट्स में यूज करते हैं इसको, क्या करने के लिए, अपने डिजायर्ड जीन को उसके अंदर इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, कल फिजिक्स का एग्जाम है, कोई बात नहीं, लेट हो गया तो ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट। अच्छा पीसीआर की बात करते हैं, पीसीआर की बात में मैं क्या बता रही हूँ, पीसीआर इज नथिंग बट एम्पलीफिकेशन कर रहे हो आप डिजायर्ड जीन की। क्या बोला मैंने, कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता क्या हो रहा है पेन पेन को, क्या कर रहे हो आप, एम्पलीफिकेशन कर रहे हो आपके किसकी, ऑफ डिजायर्ड जीन की। ठीक है, तुम्हें दिख रहा है ना सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलो आपने इसकी करी, अब ये बताओ कि मेरे को, अब आपका ये डीएनए है कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड आपका डीएनए है, आपको इसे ब्रेक करना है, आपको ये जो टू डीएनए की स्ट्रैंड साथ में लगी हुई है इनको आपको अलग करना है। कैसे करोगे, इस प्रोसेस को क्या कहते हो आप, डी नेचुरेशन कहते हो। क्या कहोगे भाई, इस प्रोसेस को आप डी नेचुरेशन कहोगे। डी नेचुरेशन इज नथिंग बट कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। टेम्परेचर को इंक्रीज क्यों करोगे, ताकि आप जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है आपके बेसिस के बीच में उसको आप ब्रेक कर सको। तो डी नेचुरेशन क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे ताकि आपका क्या हो जाए, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए। कितने टेम्परेचर पे हम करते हैं, किसी को आइडिया, किसी को आइडिया,
सेकेंड फॉर्म अभी तुमसे सारे टेम्परेचर पूछूंगे। अब ध्यान रखना है ये आपकी क्या है, अलग प्रोसेस है। यहाँ पे हमने क्या यूज करा, प्राइमर यूज किया है। क्या यूज किया है हमने यहाँ पे, आपका प्राइमर यूज किया है। कौन है भाई प्राइमर आपका? प्राइमर है आपका टेक पॉलीमरेज। क्या है भाई, हमने आगे जाके जो इस प्रोसेस में हम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं आपका, टेक पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं। किससे मिलता है आपको, आपका थर्मस एक्वेटिकस से आपको ये ऑप्टेन होगा। थर्मस एक्वेटिकस आपका क्या है भाई कि देखो आपके डीएनए की स्ट्रेंथ है, आपका ये पूरा कुछ भी खराब ना हो जाए तो उसकी स्टेबिलिटी बनाने के लिए आपको क्या करेगा, थर्मस एक्वेटिकस आएगा। आपकी पूरी थर्मल स्टेबल होता है, पहले तो ध्यान रखना है क्या है भाई, ये थर्मल स्टेबल है, ये आपका ब्रेकेज नहीं कर सकता। आपका कुछ चीज तो चाहिए ना जोड़ने के लिए साथ में, कि भाई हम तोड़ते जा रहे हैं, जोड़ना भी तो है, हमें क्या बनाना है, नई लाइन बनानी है। हमें क्या करना है कि इसका जो दूसरी स्ट्रैंड बनानी है, अब दूसरी स्ट्रैंड भी तो टूट जाएगी हाई टेम्परेचर पे, तो उसे रोकने का काम क्या करेगा आपका प्राइमर, या आप बोल सकते हो जो आपकी थर्मल स्टेबल एंजाइम है, वो आपका काम यहाँ पे करेगी। ठीक है, ये है आपकी थर्मल स्टेबल। आपको कहाँ से मिलती है, आपको ध्यान रखना हॉट स्प्रिंग वगैरह से आपको मिलती है। कहाँ से मिलती है, हॉट स्प्रिंग से ही आपको मिलती है। इस प्रोसेस का नाम क्या है, पहले तो आपकी डिनेचुरेशन हो गई, इस प्रोसेस का नाम है एनिलिंग। क्या नाम है इस प्रोसेस का, आपका एनिलिंग इस प्रोसेस का नाम है। ठीक है, चलो थर्ड आपकी क्या हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी आपकी एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन से आपको समझ आ रहा है कि कुछ नहीं करना, आपको प्रोसेस को बस बढ़ा देना है। तो ये क्या देख रहे हो आप, डबल स्टैंडर्ड आपको मिलती चली जाएगी। ऐसे ही आपको क्या है कि आपको पूरी की पूरी नई लाइन, आपको उसका जो अपोजिट का वो होगा वो मिल जाएगा। क्या हो गया इसको, आज इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है ना, मुझे नहीं पता क्यों आ रही है, तो बियर विद दैट थोड़े से टाइम के लिए। ठीक है, तो आपको क्या है, एक्सटेंशन इज नथिंग बट आप क्या कर रहे हो, डबल स्टैंडर्ड आप डीएनए बना रहे हो, आपकी उसकी कॉपीज बना दे रहे हो। तो यदि मैं बोलूं तुमसे एक चीज याद रखनी है कि मैंने बोला कि आपकी जो पीसीआर मैंने सिर्फ एक बार करी है, मैंने क्या बोला, पीसीआर मैंने सिर्फ एक बार करी है, तो आपको कितनी स्ट्रैंड मिलेंगी, आपको सिर्फ दो स्ट्रैंड मिलेगी। ऐसे ही मैं बोलूं कि मैंने पीसीआर यदि मैंने 5 times करी है, पीसीआर की जो प्रोसेस है मैंने 5 times करी, तो कितना आप कितनी स्ट्रैंड मिलेगी, 32 strand मिलेगी। इन द केस आपसे कोई बोले कि मतलब कि आपने कितनी भी बार साइकिल आपने की क्यों ना चलाई हो, मतलब एन टाइम्स आपने साइकिल चलाई है, तो उसको कुछ नहीं करना है, 2 की पावर n कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इस सिंपल टेक्निक को यूज कर लेना बस। ठीक है, इसी सिंपल सी टेक्निक को यूज करना है, कुछ नहीं करना। और एक मेरे हिसाब से कुछ छूट गया बीच में, है ना, आपका वो छूट गया है सेल वाला पार्ट, मैं यहाँ पर आ देती हूँ। देखो एक सेल है, ध्यान रखना है कि आप एक किसी भी डीएनए को आप कैसे लेकर आओगे उसे। यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस भी आपका हट गया है, एक सेकेंड, हाँ बहुत कुछ छूट गया है बीच में, एक सेकेंड आपकी मैं पीपीटी में चेक करूँ, कुछ तो दिक्कत है यहाँ। ब्रेक है थोड़ा सा 5 मिनट का, मेरे गले को सुकून मिल जाए। ठीक है, बोलते बोलते गला गायब हो जाता है, बेयर विद द साउंड जो भी बैकग्राउंड में आ रही है, बैकग्राउंड नॉइजेस बहुत है आज के डेट में मेरे यहाँ पे बहुत, इसलिए मैं तुम्हारी लाइव क्लास लेने से कतराती हूँ, समझते हो ना कतराने का मतलब। पीडीएफ कहाँ चली गई, हम ये अंकल चुप नहीं होंगे बिल्कुल भी। लेट मी सी क्या क्या मैंने आपका, एक तो वो रह गया सेल में आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हो सारा, ये आपकी पूरी प्रोसेस रह चुकी है अभी। चलो मैं अपनी तरफ से ही करा देती हूँ, एक सेकेंड, बहुत कुछ रह गया इसमें तो अभी। चलो मैं अपनी तरफ से ही कराती हूँ। देखो कभी भी हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है ना, या आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या बोला मैंने, उसके आपके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो पहला क्या करोगे, आप आइसोलेट करोगे, क्या करोगे भाई, आप आइसोलेट करोगे आप डिजायर्ड डीएनए। डिजायर्ड डीएनए को ऑब्टेंड करने के बाद आप उसको क्या करोगे, फ्रेगमेंट्स में कट करोगे। तुम्हें पता है अब वो फ्रेगमेंट में कट कैसे करोगे, या उस डिजायर्ड डीएनए को कैसे निकालोगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। किसकी हेल्प से आप यूज करोगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से आप यूज करोगे। समअप हो जाएगा यहीं पर पूरा चैप्टर, मैं सही बता रही हूँ। ठीक है, अब क्या करोगे, आप उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो यूज करोगे आप किसका, वेक्टर का, आप यहाँ पे आके यूज करोगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका हो जाएगा कि आप उसे यू जोड़ोगे भी, तो कट करने के बाद आप उसे जोड़ोगे तो डीएनए लाइगेज हो जाएगा। देन
आप क्या करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे, जोड़ते ही आप वो प्लाज्मिड के साथ उसका ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पे कर दोगे। कहानी समझ में आई मेरी? फिर उसकी क्या करोगे, आप चेकिंग करोगे कि भाई कुछ खराब तो नहीं जा रहा है बॉडी के अंदर, या सिलेक्टेबल मार्कर्स का काम क्या है। तो बेसिकली वो क्या करेंगे, स्क्रीनिंग होगी। जब आपके सिलेक्टेबल मार्कर्स आपकी चेकिंग कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई, तो उस प्रोसेस को स्क्रीनिंग कहते हैं। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, मैं वैल्यू बता रही हूँ। देन आप क्या करोगे, बायो रिएक्टर, यदि आपको क्या करना है मास में आपको काम करना है या आपको मास प्रोडक्शन चाहिए, तो आप बायो रिएक्टर्स का यूज करते हो। और डाउन स्ट्रीमिंग आपकी अगली प्रोसेस हो जाएगी। डाउन स्ट्रीमिंग इज नथिंग बट आप क्या कर रहे हो, सेपरेट करोगे किसी भी दो चीज को, यहाँ पे सेपरेशन आप यहाँ पे काम करोगे। अब कहानी आती है आइसोलेशन ऑफ डीएनए की। ठीक है, मैं यहाँ पे बीच में आपकी पेजेस वो डाल देती हूँ, वो आपका कुछ पेजेस मुझे चाहिए एक्स्ट्रा, इसके बाद ही चाहिए। ठीक है, यहाँ से चलते हैं, तुम्हारा सारा का सारा काम हो जाएगा आज यहीं पे। चलो, हमने क्या लिया, आपका एक सेल लिया, ध्यान रखना है। यह है आपका सेल, मान के चलो दिस इज नथिंग बट योर सेल, बड़ा सा, जिसके अंदर आपका ये न्यूक्लियस है। अब क्या करना है आपको, मान के चलो ये प्लांट सेल है। इन केस ये प्लांट सेल होता तो प्लांट में सबसे पहले आपको अंदर जाने के लिए क्या हटाना पड़ता, आपको सेल वॉल हटानी पड़ेगी। तो जब भी आप प्लांट के अंदर जाने के लिए आप उसकी क्या हटा रहे हो, वॉल हटा रहे हो। प्लांट के अंदर आपको न्यूक्लियस तक जाने के लिए आप क्या करोगे, पहले सेल वॉल हटाओगे। तो जब आप सेल वॉल हटाओगे तो आप क्या करोगे उसके लिए यूज, जब आपको सेल वॉल हटानी, किससे बनी होती है भाई, सेल्यूलोज से बनी होती है। सबको पता है किससे बनी है, आपकी सेल्यूलोज से बनी है। तो आप क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे, ओके सेल्यूलेस यूज करोगे। कहाँ गया पेन, बहुत दिक्कत आ रही है सेशन में, सॉरी गाइस। यदि तुम्हें दिक्कत आ रही हो तो प्लांट में आपको यदि सेल वॉल हटानी है, कोई भी मतलब जो सबसे बाहर की लेयर जो है वो हमारी प्लांट में क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो सेल्यूलोज से बनी होती है, हम क्या करेंगे, सेल्यूलोज का यूज करेंगे। बट इन द केस ऑफ द फंगस, ठीक है, फंगस की मैं बात कर रही हूँ, फंगस की जो आपकी लेयर बनी होती है वो किसकी बनी होती है बताना जरा। फंगस में आपकी, ओ माय गॉड, आज दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। फंगस में आपकी जो लेयर बनी होती है वो बनी होती है काइटिन से। किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। जल्दी जल्दी समअप कर रही हूँ मैं। तो हम क्या यूज करेंगे, काइटिनेज यूज करेंगे। ऐसी आपकी बैक्टीरियल वॉल होती है, क्या होती है भाई, ऐसी आपकी क्या है, बैक्टीरिया हो गया। तो बैक्टीरिया की वॉल किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। तो जब हमें उसे हटानी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, आपका उसके लिए क्या यूज करेंगे, ये तुम्हारा काम, ठीक है, ये तुम बताओगे। एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है ये, मैं तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। तो सेल वॉल हमने प्लांट के केस में हटाई तो हमने सेल्यूलोज यूज करा, फंगस हटाएंगे तो काइटिनेज यूज करेंगे, बैक्टीरिया हटाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, तुम बताओगे। ऐसे ही जब हम अंदर आ रहे हैं सेल के, अब चलते हैं दूसरा कलर लेते हैं। ओ माय गॉड बेटा, दिक्कत आ रही है सेशन में, मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों, इसलिए मैं रिकॉर्डेड लेक्चर डालने वाली थी। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, ये आपकी क्या आ जाएगी, सेल वॉल के बाहर पहली वाली नेमिंग कर देते हैं। चलो, ये आपकी क्या हो गई, सेल वॉल हो गई। अब जो ये वाली मेम्ब्रेन है, इसका नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है भाई, ये बनी होती है आपके लिपिड से। किससे बनी हुई है, ये आपकी लिपिड से बनी हुई है। तो अगर हमें लिपिड को हटाना है तो हम कौन से एंजाइम यूज करेंगे, लाइपेज यूज करेंगे। अब इसी तरह से सेल के अंदर जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेंगे, बहुत सारा आरएनए भी मिलेगा। ऐसा तो है नहीं आरएनए बन नहीं रहा है, एमआरएनए बन रहा है, टीआरएनए बन रहा है, आरआरएनए बन रहा है। तो ये सब क्या है, आपका आरएनए बन रहा है। तो आरएनए को भी हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आरएनए यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी डिजायर्ड चीज क्या है, हमें चाहिए डीएनए। जो इसके अंदर यहाँ पे डीएनए पड़ा है ना आपका, हमें तो चाहिए ये। अब इस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे पड़ाव से जूझना पड़ रहा है, प्लांट सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर आपका आरएनए आपको मिल सकता है। ऐसे ही कहीं ना कहीं आपको प्रोटीन मिलेगा, ऐसे ही, ठीक है, आपको क्या मिल रहा है, आपको प्रोटीन मिल रहा है। प्रोटीन से हटाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, प्रोटीएज आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है अपने डीएनए को आइसोलेट करने से पहले। आप डीएनए आइसोलेट करोगे कैसे, सारी चीजों को हटाओगे और डीएनए। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखना है कि आपको, ओके मेरा थोड़ा खराब जाएगा, ये अपने आप चल रहा है भाई। किसी को दिक्कत पता हो तो मुझे प्लीज बता देना कि इसमें क्यों दिक्कत आ रही है इतनी। तो ध्यान रखना है कि मैंने क्या बोला कि आपको डीएनए चाहिए, तो ध्यान रखना है डीएनए यूज मत कर देना, बस डीएनए यूज नहीं करना है। यदि तुमने डीएनए यूज कर दिया तो क्या होगा कि आपका डीएनए ही डिग्रेड हो जाएगा। क्या कर देगा, ये काम कर देगा, डिग्रेड कर देगा आपका डीएनए। आपको जो चीज चाहिए वही ये खा जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको डीएनए यूज नहीं करना। टेस्ट ट्यूब लेनी है, आपका प्लांट का सेल इसके अंदर डालना है। सेल वॉल अगर आपको पहले हटानी है तो आप क्या यूज करोगे,
ओके, लेट लेट इसे इसे आप काम करना है। तो आप करोगे, पहले सेल वॉल को हटाओगे, सेल वॉल हटाई फिर आप सेल मेम्ब्रेन हटाओगे, फिर बाकी की एंजाइम्स हटाओगे, जैसे प्रोटीन हो गया तो आप प्रोटीएज आपको यूज करोगे, ऐसे ही आपका आरएनएज आप यूज करोगे। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप अपनी जो भी एक्सटर्नल चीजें हैं जो वहां तक पहुंचने में आपको दिक्कत दे रही है, वो आप सब उसे हटा दोगे। ठीक है, कहानी समझ आई इतनी? एक सेकेंड, तुम्हारा कमेंट देखू मैं, समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? आई होप तुम्हें कोई दिक्कत ना आ रही हो। बस लेट मी ओपन द चैट। बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम होगा क्या मैम? यस बेटा, लाइसोजाइम ही है, तभी तो तुमसे पूछा मैंने। आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारी मैं बात करूं किसकी, अब तुमने ये सेल उठाया, सेल ले लिया, अब इसमें से तुम्हारा डीएनए, तुम्हें क्या पता तुम्हारा डिजायर्ड डीएनए कौन सा है, तो उस डिजायर्ड डीएनए को निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे, आप अब यूज करोगे किसका, मॉलिकुलर सीजर्स का। अब क्या करोगे आप यूज, मॉलिकुलर सीजर्स का। मॉलिकुलर सीजर्स मैं बात करूं, मॉलिकुलर से सबसे पहली मॉलिकुलर सीजर का नाम क्या है, सबसे पहले जो आपको मॉलिकुलर सीजर मिली है उसका नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कैची का काम करेंगे ये, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आपकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गई है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आपको मिल रही है किससे मिलती है, अधिकतर हमने जितनी भी ली है बैक्टीरिया से आइसोलेट करी है। कितने बैक्टीरिया से हमने आइसोलेट करी है, कितनी मिली है आज तक हमें? ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया से हमने आइसोलेट करी है, बहुत सारे बैक्टीरिया है जिससे हमने आइसोलेट करी है, कितनी, करीब 998 समथिंग आई गेस, तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है, मुझे डेटा याद नहीं है, तो करीब हमने 206 बैक्टीरिया से या समथिंग 200 करीब बैक्टीरिया से हमने करी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये बात की। ओके यार, दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसका डेटा मुझे याद नहीं है, तो देख लेना एक बार एनसीईआरटी में। तो मॉलिकुलर सीजर है आपका, काटने का काम करेगा। अब मॉलिकुलर सीजर क्या करता है, बेसिकली स्पेसिफिक लोकेशन होती है इसकी, क्या होता है कि ये लोकेशन स्पेसिफिक होगा। क्यों लोकेशन स्पेसिफिक, इसको पता होगा कि मुझे काटना किसको है, ये किसी भी एरी गैरी डीएनए को नहीं काटेगा, ये पर्टिकुलर एक लोकेशन को काटेगा, ध्यान रखना है। सबसे पहली कौन सी थी, हिंदर टू थी, बिल्कुल सही बताया भाई तुमने, हिंदर टू सबसे पहली आपकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी आपकी दो तरीके की होती है, एक एंडो न्यूक्लियसिस, एक आपकी होती है एक्सो न्यूक्लियसिस। जो विद इन द डीएनए कट करेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, एंडो हो जाएगी, क्या करेगी ये विद इन द डीएनए कट करेगी, एक हो जाएगी आपकी एक्सो जो टर्मिनल्स पॉइंट को कट करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ब्रेक किसको करेगी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, किसको, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को आपका यहाँ पे कट करेगी। नॉमेनक्लेचर की मैं बात करूं, नॉमेनक्लेचर की मैं बात कर रही हूँ, नॉमेनक्लेचर में क्या दिखेगा आपको, इको आर वन, जैसे आपकी बात क्या है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इको आर वन, तो ई क्या है आपका, ई कोलाई का नाम है, ये ई कोलाई से लिया हुआ है, तो ई इज नथिंग बट योर जीनस, ये क्या हो गया आपका जीनस। को क्या हो जाएगा आपका, स्पेसिफिक स्पेसिफिक एपिथेट हो जाएगा, या आप दूसरी स्पीशीज से ले सकते हो। आर क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा, आर हो जाएगा आपका आइसोलेशन का वो नहीं, वो तो बना जाएगा स्ट्रेन, ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा आपका स्ट्रेन। ठीक है, कौन सी स्ट्रेन से हमने लिया है, इसके भी नाम होते हैं बहुत सारे, ई कोलाई के अलग अलग तरीके के, तो उसकी स्ट्रेन आर है। ये क्या है आपका, आइसोलेशन का नंबर की कब बनी है आपकी, ये पहली ये है, इस तरह से ध्यान रखना चाहिए। आइसोलेशन आपकी दो है, हिंद टू और हिंद वन, ध्यान रखना है हिंदू टू और हिंदू वन, सबसे पहली जो आपकी बनी है वो टू बनी है, बाद में आपकी हिंदू वन बनी है, तो सबसे फर्स्टली जो आपकी आइसोलेट करी गई थी वो हिंदू टू थी, भले ही इसका आइसोलेशन नंबर सेकंड है, पर सबसे पहले जो आपको मिली है वो टू मिली है। ठीक है, कभी इन केस फ्यूचर में किसी को ये वीडियो मिलती है ना देखने को और आपको पता चले कि ये क्यों हो रहा है ऐसे, मेरी स्क्रीन अपने आप भाग रही है, तो प्लीज मुझे बता देना। अब ये जो लोकेशन स्पेसिफिक है, कौन सी लोकेशन से कट करेगी, अब जो ये लोकेशन स्पेसिफिक है तो इसके लिए कोई लोकेशन स्पेसिफिक है, तो वो उस लोकेशन स्पेसिफिक का नाम क्या है, उस लोकेशन का नाम है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोला मैंने, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, उसका मतलब क्या है कि आप राइट से पढ़ो चाहे लेफ्ट से पढ़ो सेम ही आपको मिलेगा, जैसे वाओ वाओ, चाहे आप ऐसे पढ़ो चाहे आप ऐसे पढ़ो सेम ही साउंड करेगा, जैसे आपका मॉम हो गया सेम साउंड करेगा, ऐसे पढ़ लो चाहे ऐसे पढ़ लो, जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मलयालम, क्या लिखा हुआ है मलयालम लिखा हुआ है, तो चाहे आप ऐसे पढ़ो चाहे आप ऐसे पढ़ो आपका सेम साउंड करेगा, तो ये आपकी क्या है स्पेसिफिक लोकेशन से आपका कट करती है, ध्यान रखना है इसका। ठीक है, कोई दिक्कत, मेरी ना स्क्रीन बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है मेरे को, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा इसको क्या दिक्कत हो रही है।
मैं तुम्हारा ये चैप्टर करा रही हूँ आज, फिर बायोटेक्नोलॉजी की पूरी मैं करा नहीं पाऊंगी इस तरीके से खाल रहा तो इसका स्क्रीन का। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसे ठीक कैसे करते हैं, तुम में से किसी को आइडिया है? यदि आपको किसी को आइडिया हो तो यार मुझे मुझे पर्सनली उस पर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना यार, किसी को पता चले तो। ठीक है चलो जरा इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं, तुम्हारे कमेंट्स अब बात करेंगे जल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। ठीक है हाँ जी 900 स्ट्रेन 230। ठीक है चलो जल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं। पेन कहाँ चला गया भाई मेरे? अच्छा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपकी जो हम करते हैं डीएनए के ऊपर, वो ध्यान रखना कौन सी है, सदन ब्लॉटिंग है। ये थोड़ी सी एक चीज़ है जो मुझे बतानी है, डीएनए पे जो हम करते हैं ना वो आपकी सदन ब्लॉटिंग है। सदन ब्लॉटिंग हम क्या करेंगे, आपका डीएनए का पूरा एक लेकर आएंगे, सबस्ट्रेट या नायलॉन का आप कह सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा बेसिकली हम फ्रेगमेंट्स में कट करेंगे, उसको हम सेपरेशन का काम आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेगी। जैसे कि आपका पूरा का पूरा डिजाइन हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ड्रॉइंग कर रही हूँ मैं, सुंदर सी तो नहीं लग रही कहीं से भी। ठीक है कलर चेंज कर लेती हूँ, मुझे भी दिखे जो पेन। ये आपका क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब ध्यान रखना सिर्फ फ्रेगमेंट्स फ्रेगमेंट्स देखना कि मैं कैसे कैसे बना रही हूँ। फ्रेगमेंट्स का साइज देख पा रहे हो तुम, फ्रेगमेंट्स का साइज देख पा रहे हो कि कैसे बढ़ता हुआ जा रहा है यहाँ पे। ये सबसे स्मॉल आपको फ्रेगमेंट मिला है, क्या है ये आपका स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट है। किस तरफ आपको स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट मिलेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ये आपका है लार्जेस्ट फ्रेगमेंट। मैंने लिया अपना डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, मैंने डाल दिया ये वेल्स में। यहाँ पे कुछ होती है वेल्स, इन्हें क्या कहते हैं, ये होती है आपकी वेल्स। जहां पर आपको वेल्स मिलेगी वो आपका कौन सा पार्ट होता है, कैथोड। कैथोड नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना है कैथोड आपका कैसे पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट होगा। ओके कैसा है ये, नेगेटिव पार्ट होगा, ये आपका हो जाएगा एनोड, इधर आपका पॉजिटिव पार्ट होगा। तो ध्यान रखना है कभी भी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ध्यान रखेंगे आपके फ्रेगमेंट्स किसके बेसिस पर सेपरेट होते हैं, साइज के बेसिस पर आपके क्या करेंगे, साइज के बेसिस पर आपके सेपरेशन होगा किसका, डीएनए फ्रेगमेंट्स का। तो जो भी आपका छोटा है वो देख पा रहे हो किधर गया है, वो एनोड की तरफ गया है। डीएनए हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्यों भाई, वो इतनी तेजी से क्यों भग कर गया, वो जो था आपका डीएनए का स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट जो था वो इतनी तेजी से पॉजिटिव की साइड क्यों भग के गया, क्योंकि उसको पॉजिटिव की साइड जाना में इजी पड़ा, क्योंकि उसका साइज कैसा था, छोटा साइज था। जो ये बेड बनाया है मैंने किसका बनाया है, ये एगरोस का बनाया हुआ है, एगरोस नाम की एक जेल होता है। तो ये एगरोस जेल है आपका डीएनए जिसपे आपका पड़ा हुआ है, बेसिकली बेड का नाम क्या है, एगरोस जेल आपका नाम है। दिक्कत कर रहा है बेटा ये बहुत ज्यादा अब। ठीक है अब ध्यान रखना है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कभी भी हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स ऐसे तो देख नहीं सकते, तो हमें उनको देखने के लिए हमें एक वो चाहिए होता है, क्या एक तरह की हमें क्या चाहिए होती है बताना जरा, एक तरह का हमें केमिकल यूज करना पड़ता है देखने के लिए, जिसका नाम क्या है, ETBR। ओके मेरे को पेन नहीं मिल रहा, क्या है भाई ETBR आपका, जिसकी फुल फॉर्म क्या हो गई आपकी, इथिडियम ब्रोमाइड। विदाउट इसके हमने ये लिया आपके जेल बेड पे डाल दिया। अब जैसे ही हमने जेल के बेड पे इसे डाल दिया, अब हमें तो दिख नहीं रहे फ्रेगमेंट, हमें दिखेंगे नहीं। अब जैसे ही हमने इसे डाला, हमें ले जाना पड़ेगा इसे एक्स रेज के अंदर, या आप इसे कह सकते हो ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर। जैसे ही हम इसको एक्स रेज आपको रेज लगाएंगे इसके अंदर, कैसे फ्रेगमेंट चमकने लग जाएंगे आपके, ऑरेंज कलर के फ्रेगमेंट्स आपके चमकने लग जाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें जो भी उस ऑरेंज फ्रेगमेंट्स में से हम अब क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि आपके लिए हमारा डिजायर्ड जीन कौन सा है, हम उसमें से लेंगे और निकाल लेंगे। अब जैसे ही हम उसे निकाल लेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब आपका क्या काम करेंगे, क्या उसे ले जाएंगे वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, मतलब प्लास्मिड के साथ जोड़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हम कर देंगे। कहानी समझ में, मैंने क्या बोला, लिया हमने डिजायर्ड अपना डीएनए, मान के चलो ये हमें चाहिए था, मान के चलो ये वाला हमें चाहिए था, ये वाला हमने लिया, इसे फ्रेगमेंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हमने इसे निकाल लिया। हम जैसे ही हमने इसको निकाला, हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने इसको निकाला आपका, लिया प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के साथ अटैच करा, वेक्टर बनाया और हमने इंट्रोड्यूस कर दिया किसमें, आपके सेल के अंदर। इंट्रोड्यूस करने के लिए सेल में आप प्रोसेस का नाम क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन में हम तीन तरह की चीज देखेंगे,
आपका देखोगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हर किसी में अलग अलग तरह की हो रही है। कैसी ट्रांसफॉर्मेशन, बेटर पार्ट मैंने इसलिए स्किप मार दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपका एनसीईआरटी के थ्रू से करा दिया है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हम एनिमल में करेंगे। एनिमल के लिए अलग ट्रांसफॉर्मेशन होता है, प्लांट के लिए अलग है और बैक्टीरिया के लिए अलग है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें ध्यान रखना है, पहले तो आपका होस्ट सेल जो है वो कम्पिटेंट हो। कम्पिटेंट मतलब उसके लिए दोस्ती बन जाए, उसको इजीली उसके अंदर इंसर्ट हो जाए। तो उसको बनाने के लिए हम पोर का साइज इंक्रीज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए। पोर का साइज हमने इसलिए इंक्रीज करना है ताकि ईजिली उसके अंदर जो हमारा डिजायर जीन है या हमारी वैक्टर की गाड़ी है वो उसके अंदर ईजिली इंसर्ट हो जाए। अब बैक्टीरिया के अंदर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, हम किसकी हेल्प से करेंगे? बैक्टीरिया में हमारा एक होता है, कलर चेंज कर लेते हैं, में दिख रहा है ना सब कुछ, कलर चेंज कर लगे हो जाता है, सेशन में इतना मजा नहीं आ रहा। अनोड़े पे छोटे कैथोड की तरफ बड़े तो जाएंगे प्रोको, सही छपट रहे हो, मतलब मैं देख रही कि कोई पढ़ भी रहा है नहीं पढ़ रहा। चलो बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ, तो बैक्टीरिया में आप कौन सी प्रोसेस यूज करते हो? हीट एंड कोल्ड शॉक। कैसा? हीट एंड कोल्ड शॉक आप यूज करोगे। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि आपका लिया ट्रांसफॉर्मेशन हमें करानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका लेकर आए, आपका पहले जो भी सेल होगा उसको पहले हम 42 डिग्री का शॉक देंगे, मतलब मान के चलो 42 डिग्री सेल्सियस पे हम लेके जाएंगे, फिर हम उसे 5 डिग्री पे लेके जाएंगे, फिर ऐसे ही हम 42 पे लेके जाएंगे। तो इस तरीके से सेल जो होगा वो मान के चलो तुम भी हो, तुम्हें ठंड से उठा के गर्मी में फेंक दे, गर्मी से उठा के ठंड में फेंक दे, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से बैक्टीरिया को भी दिक्कत होती है, उसका जो वो आपका कंपिटेंसी होगी वो अपनी क्या कर देगी, बढ़ जाएगी उसकी कंपिटेंसी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। अब ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए प्लांट में हम क्या यूज करते हैं, आपकी कौन सी, आपकी जो माइक्रो इंजेक्शन होते हैं, नहीं तुम्हारी गन जो होती है, सॉरी कौन सी गन यूज करेंगे नाम बताना गन का, तुम्हारे कमेंट सेक्शन का वेट करती हूँ। माइक्रो इंजेक्शन हम किस में यूज करते हैं, आपके उसमें एनिमल्स में यूज करेंगे, ठीक है। चलो जीन गन हम यहाँ प्लांट, जब तक तुम बताओगे ना मेरा हो जाएगा। बायोलिस्टिक आपके क्या है, जीन गन यूज करेंगे या उसे आप बायोलिस्टिक भी कह सकते हो। इसमें क्या यूज करते हैं हम, टंगस्टन एंड गोल्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम, टंगस्टन या हम गोल्ड को यहाँ पे यूज करते हैं। एनिमल में हम यूज करेंगे आपका माइक्रो इंजेक्शन। अब इसको इंसर्ट करने से पहले हम कंपेटेंसी बढ़ाएंगे, किसकी हेल्प से, आपके डाइवेलेंट आयन की वजह से। कंपेटेंसी हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ वन डाइवेलेंट आयन, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। डाइवेलेंट आयन कौन सा होगा आपका, स्पेलिंग पे बेयर मत करना गलत हो गई है, क्योंकि कैल्शियम आप अधिकतर हम कैल्शियम डाइवेलेंट आयन का आपका यूज करते हैं, ठीक है। पीसीआर इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने डाल दिया अब उसके अंदर सेल के अंदर पीसीआर करेंगे। पीसीआर की वजह से क्या होगा, आपकी एम्पलीफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपकी एम्पलीफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगी उससे आपको आपका डिजायर्ड डीएनए जो होगा उसकी मल्टीप्लीकेशन आपको ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है। हेटरोलोगस होस्ट कौन होता है, जिसका आपने होस्ट को यूज करा, जिसके अंदर आपने प्लाज्मिड डाला है, या आप जिस कह सकते हो जिसके अंदर आपने वेक्टर इंड्यूस करा है, वो आपका हेटरोलोगस होस्ट हो जाता है। यदि कोई भी प्रोटीन एनकोडिंग जीन आपका एक्सप्रेस करती है किसी भी हेटरोलोगस, उसको आप रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहोगे। तो दिस इज नथिंग बट जैसे आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका किसी सेल के अंदर दिखने लग गया तो आप उसे क्या कहोगे, आप रिकॉम्बिनेंट, आप उसे ऑर्गेनिज्म कह देते हो, या आप कह सकते हो कि आपका, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो एम्पलीफिकेशन आपने कर दी है, अब हम चाहते हैं कि वो तो बॉडी के अंदर हो गई एम्पलीफिकेशन, अब हम चाहते हैं कि हमें कोई एंजाइम बनानी है। हम क्या कर रहे हैं, अब हमें एंजाइम बनानी है। तो एंजाइम किसकी हेल्प से बनाएंगे हम, एंजाइम का हम क्या करेंगे, उसे बाहर बनाएंगे, लार्ज स्केल पे बनाएंगे। एंजाइम हमें बनानी है, हम बनाएंगे लार्ज स्केल पे। अब उसे लार्ज स्केल में बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं बायो रिएक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सीबीएसई के लिए, पहले बता रही हूँ। बायो रिएक्टर्स हमें चाहिए जिनका वॉल्यूम करीब 100 से 1000 लीटर हो सकता है। इसके अंदर हमें जो भी आपका डिजायर्ड चीज होगी ना, हम उसे कल्चर करते हैं। क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी डिजायर्ड जीन होगी या डिजायर्ड आपका एंजाइम होगा, इसके अंदर हम कल्चर करेंगे। बायो रिएक्टर्स इनका काम है, सॉरी नाम है, इनका वॉल्यूम कितना है, 100 से 1000 लीटर इनका वॉल्यूम है। क्या करते हैं, कैसे होते हैं, रॉ मटेरियल कुछ भी होगा हम इसके अंदर बना के डाल देंगे, स्पेसिफिक रॉ से हम स्पेसिफिक जो हमें चाहिए बनाएंगे, फिर इसके अंदर हम डाल देंगे। फिर हम ध्यान रखेंगे कि बायो रिएक्टर में हमें ऑप्टिमल कंडीशन मिले। अब उस ऑप्टिमल कंडीशन के अंदर क्या क्या आएगा, आपका टेम्परेचर भी आपका ऑप्टिमम होना चाहिए, मतलब टू द पॉइंट जितना उसे चाहिए उतना ही।
पीएच भी हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है, सब्सट्रेट जो भी चाहिए हमें उसे डालते रहना पड़ता है, देन आपका सॉल्ट, देन वाइटामिन, देन ऑक्सीजन, मतलब हमें ये सब चीजें आपकी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, तभी जाकर आपका क्या मिलेगा, आपको डिजायर डी, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है आपको डिजायर तभी मिलेगा जाके। अब इसको भी करने के लिए दो चीजें आपकी मार्केट में है, मार्केट में ऑलरेडी है। वैसे ये होता है आपका ओल्ड, ठीक है, ये आपका स्टर्ड टैंक होता है, यह है ओल्ड आपकी टेक्नोलॉजी, ये है आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसमें क्या दिक्कत हो गई दोनों में, बस मैं बताती हूँ ओल्ड को हमने क्यों नेगलेक्ट कर रखा है और ये इसकी बात क्या है। ये है आपका ओल्ड, तो आप देख रहे हो इसमें जो आपकी चक्की चल रही है थ्रू आउट द हर जगह चल रही है, यहाँ भी चल रही है, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, तो इसके अंदर जब भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है तो पूरे टाइम ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके थ्रू द हर एक एक कोने पर आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पे मिल रही है। अब यहीं पर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या है कि आपकी एक मिक्सी, देखिए घर में मिक्सी चलाते हो, जूम चला देते हो तो ऊपर फोम आ जाता है, तो इसमें क्या है कि आपका जो ऑक्सीजन है ये पूरे के पूरे इसमें एक ही जगह से सारे में इजीली ऊपर तक पहुंच जाएगा। बट पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे ना फोम इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे ना फोम इकट्ठा हो जाता है, तो हमें यहाँ पे इसके लिए सब्सट्रेट डालना पड़ता है जो कि काम क्या करेगा, फोम को हटाने का काम करेगा। जो आपका फोम हटाएगा ना, तो उसको हटाने के लिए भी हमें चीजें डालनी पड़ती है, विदाउट उसके आपकी प्रोसेस नहीं हो सकती। दिक्कत दे रही है मुझे प्रोसेस, अब तुम्हें पढ़ाने की प्रोसेस दिक्कत दे रही है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका स्टर्ड टैंक हो जाएगा, यहाँ पे स्टर्ड टैंक की वजह से, देखो ये आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज के डेट में हम बस ऐसे यूज करते हैं, इतना ध्यान रख लो। कौन सा आपका ये जो स्टर्ड, ये वाला स्पावर्ड स्टर्ड टैंक है, इसके नीचे मिक्सी की तरह काम करता है, इजीली बहुत तेजी से काम करता है, कुछ नहीं है बस, ठीक है। पानी गला दर्द हो रहा है मेरा, चलो बाद में पियेंगे, कोई बात नहीं, इसको खत्म कर देते हैं। समझ में आई दोनों में कोई दिक्कत, बस एक ओल्ड है एक न्यू है। ओल्ड वाले में जो आपका फोम है वो अंदर फोम नहीं बनता है, उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन की आप सप्लाई देते हो, यहाँ पर आप जो ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हो ना उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इससे कुछ नहीं है, यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा जिसकी वजह से हर एक एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से सिर्फ आपका सेल डिवीजन ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ आपका सेल डिवीजन आपको इंक्रीज करना है, क्योंकि तुम्हें पता है जब हम कैसे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, कैसे करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की नीड होती है, तो जैसे हमारे सेल डिवाइड ही तब कर पाएंगे जब आपको ऑक्सीजन मिलेगा, विदाउट ऑक्सीजन आपका कोई भी सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा या मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन, तो आपका सेल डिवीजन बहुत अच्छे से होगा। अब जब हम बड़े बड़े लेवल पे सामान तो बना लिया, अब हमें देख कभी कभी क्या होता है कि हमने बना तो लिया सामान पर दो चीजें एक साथ मिक्स होकर आ गई, तो अब दो चीजों को हमें हटाना है, तो हम क्या करते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करते हैं। इसमें क्या होगा कि आप सेपरेशन भी करोगे, प्योरिफिकेशन भी, जैसे आप पढ़ोगे कि आगे हीरोडीन, मैं नेक्स्ट उसमें पढ़ाऊंगी कि हीरोडीन और आपको क्या कैस्ट्रोइल साथ में मिलता है, अब दोनों मिक्स होके मिलते हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे आपकी डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करते हैं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस से क्या होगा कि आपकी ये दोनों चीजें अलग अलग मार्केट में बिक सकती हैं, दोनों ही एक दूसरे से प्योरिटी जो होगी निकल जाएगी, दोनों में से हीरोडीन अलग कैस्ट्रोइल अलग, तो तब जाके हमें क्या मिलता है अलग से हीरोडीन जीन मिलेगी। हीरोडीन जीन आपकी कब यूज करते हैं, डॉक्टरिंग में यूज करते हैं, क्या होती है भाई आपकी एंटी कोएगुलेंट होती है, ध्यान रखना क्या ये आपका एंटी कोएगुलेंट है, खून को जमने नहीं देगी बेसिकली, ठीक है। कैस्ट्रोल तो सबको पता है कि ग्रोथ वगैरह के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, तो वो हम कैस्ट्रोल अलग से यूज करते हैं। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस नथिंग बट सेपरेशन और प्योरिफिकेशन करना, ये आपका काम है। यहाँ से आपको सुटेबल प्रिजर्वेटिव हमें दे मिल सकते हैं, कुछ भी हमें, मतलब कुछ भी हमें चाहिए तो हम यहाँ से आपका टेक्निकली प्रूव, कुछ भी टेस्टिंग करी हमने देखा कि भाई हमारे लिए बहुत अच्छा है नहीं है, तो हम उसे ले लेते हैं, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का काम है, क्या करती है आपका प्रोसेसिंग का और क्वालिटी का चेक करेगी, सही काम बना है, सही प्रोडक्ट बना है या नहीं बना है, ठीक है। ये तो चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, कुछ चीज जो तुम्हें समझ नहीं आई तो मुझे बता दो। बताओ तो फिर ये यहीं तक करती हूँ इसका आज का सेशन, फिर इसमें ही, क्योंकि दिक्कत दे रहा है, मैं जरा इसकी दिक्कत चेक करूंगी तब जाके तुम्हारी क्लास लूंगी, क्योंकि ऐसे तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगी ना जब तक दिक्कत रहेगी। देखो बेसिकली ना छोटा छोटी बात तुम्हें याद रखनी है, मैं इस पूरे चैप्टर में बता देती हूँ, जिससे क्या होगा सम अप, एग्जाम आगे बेटा पढ़ाई तो करनी है ना।
तुम्हें एक तो ये याद रखना है कि कितने स्टेप्स में होता है, ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका होगा नहीं, इसके बिना तुम जा भी नहीं सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि आपको पीसीआर इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखनी है, पीसीआर का आपसे पूछ सकते हैं, नॉर्मल क्लचर का तुमसे पूछ लेंगे, 2-3 मार्क्स में ज़्यादा आपका आएगा नहीं, तो पीसीआर आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। एक आपको स्टेप्स याद रखने हैं इसमें, स्पागर डीएनए ये वाला जो है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। और आपको 1 मार्कर की जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी की क्या है आपकी डेफिनेशन है वो याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईएफबी ने आपको कौन सी दी है बायोटेक्नोलॉजी की, आपकी कौन सी आपकी क्या है डेफिनेशन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या करते हैं हम, कौन सा, देखो एक प्रोसेस होती है स्पूलिंग, स्पूलिंग का तो मैंने बताया नहीं, जैसे जैसे आप क्या करते हो जब आपको आप आइसोलेशन करना चाह रहे हो डीएनए का, तो आपको क्या है कि आपको टेस्ट ट्यूब में थिल्ड इथेनॉल डालनी पड़ती है, थिल्ड इथेनॉल में आप डालोगे विद द एंजाइम्स जो हमने आइसोलेशन के वक्त हमने बहुत सारी एंजाइम डाली थी ना सेल वॉल हटाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन हटाने के लिए, तो वो सब आपको डालने के बाद जो आपको सिर्फ डीएनए के थ्रेड्स आपको टेस्ट ट्यूब में मिलेंगे उस प्रोसेस को आप स्पूलिंग कहते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्री बोर्ड में भी था पीसीआर का क्वेश्चन, मैंने तो ऑलरेडी तुम्हें 10 सैंपल पेपर करा दिए थे, तो आई होप तुम्हें तो इजी हो रहा होगा पढ़ने में, मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ तुम लोगों को 10 सैंपल पेपर, ठीक है। बाकी आगे की प्रोसेस मैंने पूछा था तुमसे कि ये इथिडियम का क्या काम करती है, तो इल्यूजन जो है आपका, इल्यूजन जो हम डालते हैं बेसिकली केमिकल जो आपका इल्यूजन है वो आपका इथिडियम ब्रोमाइड है, ठीक है। चलो आई होप तुम्हें सब, जीन गन का बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, बायोलिस्टिक प्रोसेस जो आपकी है जीन गन या बायोलिस्टिक जिसे आप कहते हो, कब यूज करते हो, प्लांट्स के अंदर यूज करोगे, एनिमल में माइक्रो इंजेक्शन यूज करोगे, ठीक है, बैक्टीरिया में हीट एंड कोल्ड यूज करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये भी ध्यान रखना है। देन आपकी पीसीआर तो वो तो आनी ही आनी है, देन आपका ये रिकॉम्बिनेंट हो जाता है, फिर तो आपका चैप्टर ये खत्म हो चुका है, बस बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन बचा है, ये मैं अपने दूसरे नोट पैड में कराऊंगी, यहाँ नहीं कराऊंगी ये क्योंकि दिक्कत कर रही है ये। लेट मी ओपन द नोट, फिर स्ट्रीम को यहीं खत्म करें क्या, फिर दिक्कत तो नहीं है कोई, ये थे नोट्स जो तुम्हारे मुझे पढ़ाने थे, ये सब मैंने कराया, कुछ छूटा नहीं है यहाँ पे। अच्छा ये ध्यान रखना जी, ये कुछ 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जेल तुम्हारा जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसकी 2 एप्लीकेशन होती है, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बना रखे थे ध्यान रखना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की आपकी क्या होती है 2 एप्लीकेशन होती है, एक तो ये साइज के ऊपर बेस काम करेगा, एक काम करेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे या क्लोनिंग ऑफ आरडीएनए पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आ सकता है, अब ये इनके ऊपर है कि आएगा नहीं आएगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मेरी साइड से तुम इसे करके जाना, ठीक है, मैं तो यही कहूंगी कि मेरी साइड से तुम इसे करके जाना, ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन के ऊपर है। ऐसे ही कंपिटेंसी बढ़ानी है सेल की, तो आप क्या कैल्शियम क्लोराइड यूज करोगे, मतलब डाइवेलेंट आयन हो गया, ये आपका Ca2+, तो इंक्रीज कर देगा आपकी डीएनए की अपटेक की एफिशिएंसी को, ये लिखा हुआ है डाइवेलेंट कटायन आप यूज करते हो, क्या करेगा क्रिएट ट्रांजिशन पोर्स एक बनाएगा जिसकी वजह से आप सेल वॉल में इजीली आप अंदर इंसर्ट कर पाओगे, या कोई भी माइक्रो इंजेक्शन करो या आप जीन गन करो आप यूज कर पाओगे, ठीक है। चलो देन मैं बता रही हूँ, अगर कभी कभी क्या होता है, देखो यहाँ पे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखो कभी कभी क्या हो गया कि आपने देखा आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते ही अब तुमसे कह रहे हैं कि मान के चलो आपके बैंड्स ही अकर नहीं हो रहे हैं, वो जो आपके ऑरेंज कलर के बैंड्स आते हैं ना, ये कह रहा है कि मान के चलो हमने आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो कर दी बट आपका अब ऑरेंज बैंड्स नहीं बन कर आए, अब उसमें क्या दिक्कत होगी भाई कि आपके ऑरेंज बैंड्स नहीं बन कर आए, तो वो पूछ रहे हैं कि जब आपके ऑरेंज बैंड बन के नहीं आ रहे हैं तो उसमें क्या है, या तो आप कंटेमिनेटेड हुआ, या तो आपका जो डिजायर्ड डीएनए है वो जो डिजायर्ड डीएनए है वही कंटेमिनेट हो गया। देखो सबसे पहले बायोप्रोसेसिंग में याद रखा था आपने कि कंटेमिनेशन फ्री होना चाहिए, अगर वही जो डिजायर्ड डीएनए है उसी में वायरस बैक्टीरिया लग गया होगा तो पहला रीजन वो आपका बैंड्स नहीं बनने देगा, ऐसे ही कि आपका इलेक्ट्रोड जो होंगे उसकी जो अपोजिट आप तुम्हारी ओरिएंटेशन होती है वो ही गलत होगी, कि जहां पे वेल एनोड की तरफ, वेल कहाँ होते हैं हमेशा ध्यान रखना है, वेल हमेशा कैथोड की साइड होते हैं, वेल हमेशा कहाँ होंगे आपके कैथोड की साइड, कहाँ पे नेगेटिव आपका कैथोड होता है, हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव साइड पे आपको वेल मिलेगा, बट यहाँ पे क्या हो गया कि यदि आपने वेल आपका एनोड की साइड हो गया तो जिसकी वजह से आपका अपोजिट साइड पे आपके मूव करने लग जाएंगे बैंड, जिसकी वजह से आपके बैंड्स आपको नजर नहीं आएंगे। थर्ड क्या होगा कि आपने इथिडियम ब्रोमाइड या तो ऐड ही नहीं करोगी या तो सफिशियंट कॉन्सेंट्रेशन में आपने यूज नहीं किया होगा,
तो ये आपके तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा है बहुत ज्यादा, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि ये कहीं दिए नहीं हुए हैं, मुझे सिखाने थे, कहीं पर ये मेंशन नहीं करे हुए हैं कहीं पर भी। ठीक है, ठीक है, ये तो तुम्हारा हो गया, एप्लीकेशन रह जाएगा, फिर एप्लीकेशन बाद में करें, 1 घंटे में तुम्हारा खत्म तो हो गया। मैं इसे यहीं पढ़ाऊंगी इस चैप्टर को, तो नेहा ही पढ़ रही है बस आज पूरी क्लास में। वेल डन बेटा, पूरी पढ़ाई करना। ठीक है, मैं आई होप कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, मैं तो चाहती हूँ तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए सबके। ठीक है, बाकी हम बाद में करते हैं, फिर कल मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लाइव करूंगी तो मैं बता दूंगी। आपका एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी का रह गया है जिसमें आपको कुछ नहीं है, वैसे मैं 15 मिनट में इसे खत्म कर सकती हूँ, पर पढ़ाना है ना ये भी, तो इसलिए मुझे टाइम लगेगा, तो मैं उसके लिए मुझे करीब आधा 1 घंटा और चाहिए। हाँ बताओ, स्क्रीन कैसी आ रही है तुम्हें, तो ऐसी नहीं दिखनी ना, ये इस पे चले जाते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी मैं लाइव सेशन बता दूंगी, फिर मिलते हैं, बाय बाय। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय।